नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी अपने बच्चों को पौष्टिक और स्वस्थ आहार देना चाहते हैं जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से हो सके? तो ये रेसिपी आपके बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट है। और आज इस रेसिपी को हम पालक से बनाएंगे। और अगर आप ये रेसिपी अपने बच्चों की डाइट में शामिल करते हैं तो बच्चों की आँखों की रोशनी तेज होगी, हड्डियाँ मजबूत बनेंगी और बच्चों की इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। और पालक में कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, तो ये रेसिपी आपके बच्चों के लिए एकदम हेल्दी है। तो फिर आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस हेल्दी फूड को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 8 से 10 पत्ते पालक के लिए हैं। तो ये देखिए, इस रेसिपी में हमें एकदम फ्रेश पालक का यूज़ करना है। तो डंठल मैंने निकाल दिए हैं और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 से 1.5 छोटे चम्मच मूंग की दाल, बिना छिलके वाली दाल ली है। इसे अच्छे से वॉश करने के बाद आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। आप देख सकते हैं हल्की ये फूल गई है। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं 2 से 3 छोटे चम्मच प्लेन ओट्स। तो सबसे पहले हम ये जो पालक है इसे बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे। तो ये देखिए, पालक को एकदम बारीक टुकड़ों में काट लिया है मैंने। और अब इस रेसिपी को बनाने के लिए गैस पर मैंने कुकर रख दिया है। इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे 1 छोटा चम्मच घी और इसे मेल्ट होने देंगे। तो ये देखिए, घी हल्का गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 पिंच के लगभग जीरा, साथ ही इसमें मिला देंगे 1 पिंच से थोड़ी सी कम हींग। और हींग जीरे को घी के साथ में मिक्स करते हुए भून लेंगे 3 से 4 सेकंड के लिए। और जीरा जैसे ही हल्का सा चटक जाएगा तब इसमें हम मिला देंगे 1 छोटा सा प्याज, जिसे बिल्कुल बारीक काट लिया है मैंने। इसे हम डाल देंगे। और अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 कली लहसुन की बारीक कटी हुई, और इसे घी के साथ में मिक्स करते हुए भून लेंगे 10 से 15 सेकंड के लिए। तो अगर आप लहसुन प्याज ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे हल्का सा भून लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा धीमा कर देंगे और इसमें मिलाएंगे मूंग की दाल। इसे हम डाल देंगे कुकर में, साथ ही इसमें ऐड कर देंगे ओट्स, और अब इसे मिक्स करते हुए भून लेंगे 10 से 15 सेकंड के लिए। तो ये देखिए, मैंने इसे हल्का सा भून लिया है। और इसी समय पर अब इसमें हम पालक भी ऐड कर देंगे। तो ये पालक मैंने कुकर में डाल दिया है, इसे भी मिक्स कर लेते हैं सभी चीज़ों के साथ में। तो ये देखिए, मैंने इसे मिक्स कर लिया है और अब इसमें हम मिलाएंगे पानी। तो 1 से 1.5 ग्लास के लगभग पानी हम कुकर में डाल देंगे। तो पानी मैंने डाल दिया है, एक बार इसे मिला लेते हैं अच्छे से। और जैसे ही मिक्स हो जाएंगी तब इसमें हम मसाले भी ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें मिला देंगे 1 पिंच के लगभग नमक, इसे हम डाल देते हैं कुकर में। अब इसमें हम मिलाएंगे 1 पिंच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1 पिंच काली मिर्च का पाउडर। तो सभी चीज़ें हमने कुकर में डाल दी है, एक बार इसे मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, अच्छे से ये मिक्स हो गया है। और अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसमें हाई फ्लेम पर 2 से 3 सीटी आने देंगे। तो ये देखिए, कुकर में लगभग 3 सीटी आ गई है, कुकर का प्रेशर भी ख़त्म हो गया है। और अब हम इसका ढक्कन हटाकर इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, सभी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं। तो बस अब आप चम्मच की या मैशर की हेल्प से इसे हल्का दरदरा सा मैश कर सकते हैं। तो इसे मैश करने के लिए मैशर का इस्तेमाल किया है मैंने, और इसे हम हल्का दरदरा सा मैश कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे मैश कर लिया है और अब ये हमारी हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है छोटे बच्चों के लिए। तो बस अब आप इस रेसिपी को हल्का ठंडा होने के बाद आप इसे अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो फूड अब सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है और अब इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। और ये लीजिए, बनकर तैयार है आपके घर के बच्चों के लिए आयरन रिच रेसिपी।
और इस रेसिपी को आप 10 महीने से ऊपर के बच्चों को लंच या डिनर में बनाकर खिला सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी रेसिपी है, तो एक बार आप इसे अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बच्चों को स्वाद में भी पसंद आएगी और बच्चों का पेट भी आसानी से भर जाएगा। साथ ही ये रेसिपी डाइजेस्ट होने में बहुत ही आसान है। और कैसी लगी आपको आज की रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह की नई नई और हेल्दी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।